हैरान से उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं बेखबर हमसे क्यों हो इतने बुरे भी हम नहीं जमाने की बातों में उलझो ना ऐ आसान जान जान खुद से जो अगर तुम पूछो तुम्हारे के नहीं तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े सबसे पीछे हम खड़े सबसे पीछे हम खड़े महफिलें आई और गई लोग आए और गए तुम जो आज आ गए हो दिल में हो बस गए मुस्कुरा के बात टालो ना फिर मिलोगे कहीं देखना यही कहोगे इतने बुरे थे हम नहीं तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े सबसे पीछे हम खड़े सबसे पीछे हम खड़े महफिलें आई और गई लोग आए और गए तुम जो आज आ गए हो दिल में हो बस गए मुस्कुरा के बात टालो ना फिर मिलोगे कहीं देखना यही कहोगे इतने बुरे थे हम नहीं तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े सबसे पीछे हम खड़े सबसे पीछे हम खड़े दो या तीन मिनट और चलने के बाद आप पहुंचेंगे इस जगह और यहां आपको दिखने वाला है करारी लेक का पहला खूबसूरत नज़ारा ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है वो कॉर्नर आप देख रहे हैं वहाँ पर ये सब लेक है इस तरह से ये सारी जगह करेरी लेक ये अभी पानी फ्रोजन है थोड़ा पानी यहाँ मेल्ट है पानी मेल्ट होता रहेगा गर्मी से और बहकर इसी खड्ड से जाता रहेगा नीचे करेरी विलेज तक और आप थ्रू आउट इसी ट्रैक से चलते हुए यहाँ पहुँचेंगे अब हम इन सीढ़ियों को उतरते हुए थोड़ा और नज़दीक जाएंगे लेक के देखिए लेक उस कॉर्नर तक है अब देख पा रहे हैं ये जो हट्स बनी है यहाँ तक लेक है इट्स सच अ लॉन्ग वन वाइड या विड्थ उतना नहीं होगा लेकिन लॉन्ग में है इस वक्त आप करेरी लेक एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये वो जगह जहां बर्फ़ पिघल चुकी है इसके उस तरफ भी स्नो है इस तरफ भी स्नो है और
इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये जमी हुई लेक है। अगर आप जंप करके इसके उस तरफ भी जाएंगे तो ऐसा ही हार्ड स्नो सरफेस आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा। ग्लेशियर लेक अभी फ्रोजन कंडीशन में है और ये सबसे बढ़िया टाइम है यहाँ आने का। आप देख पाएंगे ये एक बाउंड्री वॉल यहाँ बनाई गई है और इसी बाउंड्री वॉल से छन कर जो पानी जाता है वो जाता है करेरी खड में। नौली ब्रिज के वहाँ जो आप पानी देख रहे थे वो यहाँ से बह करके जा रहा है, तो एक्सेस वाटर ही यहाँ से फ्लो करके इस तरफ जाता है, रेस्ट वाटर इस लेक में स्टोर्ड रहता है। तो ये लॉन्ग एक लेक बनती है वहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मंदिर के अंदर टेंट लगाना मना है, तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि इसके आसपास के प्लेन एरिया में आप टेंट लगा सकते हैं। तो अगर आप अपना टेंट कैरी कर रहे हैं तो यहाँ लगा करके रुक जाइए, अदरवाइज यहाँ टेंट आपको किराए पर मिल जाएगा। देखिए जब आप टेंट यहाँ लगाएंगे इस जगह पे, ये आपको खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। सुबह उठते ही आप पंछियों की चहचहाहट और शीतल हवा का आनंद ले पाएंगे। ये है खूबसूरत सी जगह करेरी लेक की और ये है यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा। जरा नजर उठा के देखो बैठे हैं हम यहीं, बेखबर हमसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं। जमाने की बातों में उलझो ना, ऐ आसान जान जान, खुद से जो अगर तुम पूछो तुम्हारे के नहीं। तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है, दुनिया की इस भीड़ में सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े, सबसे पीछे हम खड़े। खाना और बाकी चीज़ें यहाँ महंगी ज़रूर होंगी क्योंकि कॉस्ट ऐड हो जाता है सामान को इतने ऊपर तक लेकर आने का, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। मैगी का आपसे 50 रुपये चार्ज किया जा सकता है, चाय 20 रुपये, कॉफ़ी 30 रुपये, पानी की बोतल का 50 रुपया। अब वक्त हो चला है वापस चलने का क्योंकि आज ही हमें करेरी विलेज पहुँचना है, वहाँ से वापस धर्मशाला जाना है और वापस निकलना है अपने डेस्टिनेशन पर। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ये करेरी लेक आपको पसंद आई होगी, लिस्ट में रखिए और आइए ज़रूर एक बार। दिस पाथ इज़ रियली ब्यूटिफुल, चेक। दिस इज़ वाइल कमिंग बैक फ्रॉम करेरी लेक और ये वो ब्रिज है जिसको हमने जाते हुए भी आपको दिखाया था पिछले एपिसोड में, और अब मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ। तो वापसी के वक्त का नज़ारा आप देख लीजिए किस तरह का है, वो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, एक शॉप है और वहाँ बहुत सारे टेंट लगे हैं। सुबह 7:30 बजे इस जगह से हमने ट्रैक स्टार्ट किया और अब 3:15 हुए हैं, तो टेक्निकली आने में लगे मुझे 2.5 घंटे और यहाँ से जाने में लगे थे करीब 3.5 घंटे का टाइम, या 3 घंटे 50 मिनट टू बी प्रिसाइज़, तो 3 आवर 50 मिनट्स टू गो, 2 आवर्स
सम मिनट्स टू कम बैक। 6 किलोमीटर है डिस्टेंस जो कवर किया था मैंने इन 3 घंटे 50 मिनट के इसमें। अब यहाँ से बैग उठाना है और हमें जाना है 7 किलोमीटर और। तो ये है पूरा अभी तक का जर्नी का प्लान। तो चलिए आगे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। शाम के 6:15 का टाइम है और हम लोग पहुँच चुके हैं वापस नौली ब्रिज। इस तरह से हमारा करेरी लेक का ये ट्रैक ख़त्म हुआ। अब बस हम यहाँ से 3 किलोमीटर और वॉक करके जाएंगे करेरी विलेज, वहाँ पर हमारी बाइक है और बाइक लेके हम पहुँच जाएंगे वापस चंडीगढ़। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे जल्दी ही किसी और सीरीज़ में।